ठीक है, तो किसी कोई कंफ्यूजन है क्या? रीजन है नेम से फार्मूला, ठीक है, नेम से फार्मूला कुछ नॉलेज सर बातें नहीं करना है अभी। लास्ट टाइम आपको तो फार्मूले से नेम बताया था, फिर कुछ कंपाउंड का नेम से फार्मूला देखेंगे, क्योंकि नेम से फार्मूला थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू फार्मूले से नेम है, क्योंकि फार्मूले के अंदर नीचे नेम जो दिया है तो उसको देख के लिखना होता है, लेकिन नेम से फार्मूले में कौन सा ग्रुप किधर है, लिगेंड कहाँ लिखना है, बाहर ग्रुप में कौन से ग्रुप है, चार्ज कौन सा है, वो सब हमको डिसाइड करना होता है नेम देख के, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। इसके कुछ एग्जाम्पल बता दो आपको, देखो अगर आपको आता है वैलेंस नहीं आता है तो जो है और एग्जाम्पल से आपको जरूर बताता हूँ मैं, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रखना। ओके, देखते हैं नेम से फार्मूला, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ सी हियर, एक नेम दिया हुआ है, अब ये नेम से आपको हमको क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम देख के बताएगा या जिसको भी आता है बताएगी, ये नेम दिया हुआ है ये देख के बताना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है, कैटायनिक है, एनायनिक है, नॉन आयनिक है, नेम देख के भी समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं बोलना है, बैठ के नहीं बोलना है, अगर आपको समझ में आ रहा है हाथ ऊपर करके बताना है, ये नेम देख के आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है, कैटायनिक है, एनायनिक है, न्यूट्रल है, मेजर है, देखिए जरा कितने लोग ने स्टडी किया है, पढ़ा है, कल जिन्होंने स्टडी किया है उसको आए, अगर स्टडी नहीं किया है उसको नहीं आएगा। देखो मैं बता देता हूँ, नेम देख के समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जो अनायनिक है इधर देखो, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखा, उससे पहले जो सिंकेट लिखा हुआ है, सिंकेट के आगे सफिक्स वर्ड एटी एट लगा हुआ है, जिस पर्टिकुलर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल एटम के नेम के लास्ट में सफिक्स वर्ड एट लगा हुआ रहेगा वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स, और एट नहीं लगा है, सिंक है, निकल है, कॉपर लिखा हुआ है, एट नहीं लगा तो वो कैटायनिक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है, अनायनिक है। अब इधर देखो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मेटल एटम, इधर ऑक्सीडेशन नंबर के पहले जो नेम दिया हुआ है जिंक है, वो क्या है, मेटल एटम कौन सा है, जिंक है, कौन सा है, जिंक है, तो इसको फार्मूला कैसे लिखना है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले मेटल एटम होता है जिंक, तो जिंक का सिंबल है Zn, अब उससे पहले जो ग्रुप है देखो टेट्रा क्लोरो जिंकेट है, तो जो क्लोरो दिया हुआ है, यानी क्लोरो इसका मतलब ये ऐसा लिगेंड, क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, तो लिगेंड क्या है Cl, कितने दिए है 4, उससे पहले जो नियम है सोडियम, वो पॉजिटिव आयन है, देखो सोडियम पॉजिटिव होते हैं, अगर पॉजिटिव आयन दिया हुआ है तो उसका ब्रैकेट के पहला लिखो, समझ में आ रहा है, सोडियम है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के पहले, सोडियम का सिंबल है Ag, अब यहाँ पे एक ही का नेम लिखा तो आपको कैसे जज करना है कि यहाँ सोडियम कितना होगा, देखो यहाँ पे जिंक है, यानी जिंक का चार्ज हमको प्लस टू दिया हुआ है, और जब भी कोई बाहर ग्रुप रहेगा तो नेट चार्ज जीरो रहेगा, हमेशा बाहर ग्रुप रहेगा इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का नेट चार्ज जीरो रहेगा, तो हमारे को इसको नेट चार्ज जीरो ही बैलेंस करना है, तो देखो जिंक का प्लस टू है, इसका क्लोरीन का माइनस फोर है, तो इसका प्लस टू होगा तो प्लस फोर माइनस फोर जीरो आएगा, एक सोडियम का प्लस वन होता है, तो सोडियम कितने लेना है हमारे को, तो प्लस टू प्लस टू प्लस फोर माइनस फोर फ्रैक्शन जीरो, इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला कौन सा आ गया, एन ए टू एन टू ब्रैकेट जेड एन सी एल फोर, ये हमारा नेम से फार्मूला लिखने को देगा, तो समझ में आया क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखने का, ऑक्सीडेशन नंबर से पहले मेटल एटम देखना है,
कौन सा है उसको ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद में लिगेंड लिखना है, और अगर कोई पॉजिटिव आयन है तो पहले लिखना है और निगेटिव आयन है तो लास्ट में लिखना है, और निगेटिव आयन रहेगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में वो निगेटिव है। ओके समझ में आया, और एग्जांपल बता दो ताकि आपको समझ में आए, इसको बस एग्जांपल देख लो। और सी है एक और नेम लिखा बोर्ड पे, ट्राई ऑक्सलेट टू फॉर्मेट थर्ड आयन। अब आयन दिया हुआ है, वो आयन को देख के आपको समझ में आया कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो है नेट साइड दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी मेटल है जो ऑक्सीडेशन नंबर, उससे पहले क्रोमेट, क्रोमेट बना है क्रोमियम से, क्रोमियम को ऐसा अनायनिक लिगेंड क्रोमेट को, जिसमें ए पी, ये भी अनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हमारा मेटल है क्रोमियम, उसके बाद थ्री दिया हुआ चार्ज है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ, और उससे पहले जो नेम है ऑक्सीडेशन लिगेंड है, ऑक्सीडेटिव ग्रुप बोलते हैं सी टू ओ फोर, ट्राई लिगेंड ईन, ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अब एक ऑक्सीडेटिव चार्ज इतना -13 पे कितना होगा -6, तो +3 और -6 कितना आ जाएगा देखो -3। और एक समझ में आया नहीं सर, ये हो गया ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, और ये नहीं चाहिए तो आयन, तो इसका पहले फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, क्या रहे क्या बता दो, सबको समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है, नेम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नेम। वन मोर एग्जांपल, टेट्रामाइन हुआ, कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ये नेम दिया हुआ है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के जो ऑक्सीडेशन नंबर उसके बाद में भी ग्रुप दिया, बाद में रहेगा तो इसको मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मिलेगा, और ये हमेशा निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो पहले अपन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, 3 कोबाल्ट दिया हुआ है, कोबाल्ट को सीओ लिखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया है +3। उससे पहले देखो जो जो है टेट्रामाइन, टेट्रामाइन अमोनिया को बोलते हैं, कितने हैं 4 है टेट्रामाइन, है कोई जो वाटर मॉलिक्यूल, समझा क्या हो गया, क्या हो गया देखिए, और डेट मुझे लिख लो, और कुछ दो तीन नेम जो आप लोग ट्राई करो, देखो आप लोग को आते हैं देख लो, पहले नहीं आएंगे मैं आंसर बताऊंगा।
आपको कुछ सॉल्व करने के लिए एग्जाम के लिए आपको मैंने लिखा है, तीन नेम दिया है, इसका फार्मूला भी लिखना है और ये इसका आंसर कदम जो नहीं आएगा मैं आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। आपस में बातें नहीं करना है, टीचर या स्टूडेंट से, या इंडिविजुअल अपना सॉल्व करना है, उसे सॉल्व करना है करके आपको आए हो।
आंसर बता रहे हो आप लोग, चेक करेंगे अपना कि आप लोग ने जो आंसर लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं। तीनों का आंसर बता रहे, देखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर हेक्सा साइनो फेरिक गाइड आयरन। पहले का आंसर हेक्सा साइनो फेरिक थर्ड आयन, फर्स्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैल्शियम दो है यार, कैल्शियम दो लिखना है। अगर किसी ने सिंगल लिखा है तो रॉन्ग है, उनको बैलेंस नहीं हो रहा है। देखो इधर कैसे समझ में आया, कैल्शियम दो है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे को दिया हुआ है, एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस, तो छह का कितना होता है माइनस सिक्स। अब ये नेट से हमारे को जीरो चाहिए, तो एक कैल्शियम को प्लस टू होता है, तो दो का कितना होगा प्लस फोर, तो प्लस फोर प्लस टू प्लस सिक्स माइनस सिक्स कभी जीरो आएगा, इसका मतलब हमारे को कैल्शियम दो लेना है। सेकेंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आ गया, इसके करेक्ट आया ये वाला, ठीक है। ये इसका सेकेंड वाले का मॉलिक्यूलर फार्मूला। थर्ड देखेंगे, थर्ड देखे करते थर्ड वाला डाई कुआ, ठीक है। टेट्रा डाई उसाइन है तो प्लैटिनेट, प्लैटिनेट बोले तो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, डाई को एनी वाटर को थायोसाइनेट पेशियन को होते है और सल्फेट लिखा हुआ बाहर है, तो ये फॉर्मूला है देखो थर्ड वाले का। अब इसमें लिगेंड जो है एक को वाटर को एक्वा बोलते हैं और थायोसाइनेट को थायोसाइनेट बोलते हैं, एससीएन। अब ये दो लिगेंड है, अल्फाबेटिकली वाटर का एक्वा पहले आता है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में आप आगे पीछे करके भी लिखेंगे ये इधर, और वाटर बाद में तो चलेगा, लेकिन नेम लिखने से पहले इक्वा लिखते हैं। देखो इसका चार, एक फाइव साइनस का माइनस फोर, चार का माइनस फोर, ये जीरो है। प्लेटिनम पे चार्ज दिया हमारे को टू, सल्फेट पे चार्ज होता है माइनस टू, ठीक है। सल्फेट का चार्ज कितना होता है माइनस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड दिया हुआ है ना ये, हाँ माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स, यानी प्लेटिनम में यहाँ पे आपको सिक्स, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, उसको सिक्स लिखिए, हाई तो बैलेंस नहीं हुआ, मैंने टू दे दिया था बाय मिस्टेक, वहां पे सिक्स करेक्शन कर लो, ठीक है। सिक्स आएगा, देख लो यहाँ पे एक थायोसाइनेट का माइनस वन है, तो चार का कितना हो जाएगा माइनस टू, इसका एक का माइनस टू है माइनस सिक्स, ये प्लस सिक्स चाहिए तब जीरो आएगा, इसलिए ये जो ऑक्सीडेशन होता है प्लैटिनेट का कितना आएगा प्लस सिक्स। लेकिन बट एक चीज और, फिर इसमें मिस्टेक हो जाएगी, वो भी ध्यान दो, बाहर वाला आयन निकलेगा, बाहर वाला आयन निकलेगा तो प्लस सिक्स माइनस फोर करेंगे तो नेट शेष क्या आएगा प्लस टू आएगा, इसलिए हम प्लेटिनम भी नहीं आएगा, क्या आएगा प्लेटिनम। कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया, ये माइनस फोर प्लस सिक्स कौन सा हो गया, कैटायनिक हो गया ना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम थोड़ी आएगा, मनाइनी कॉम्प्लेक्स में आता है, उसको करेक्शन कर लो, ये प्लस सिक्स लिखना और यहाँ प्लेटिनम लिखना है, तब ये फार्मूला करेक्ट आएगा।
Got it? Yes. ये हो गया इसका फॉर्मूला, बट ये उसको करेक्शन कर लो फॉर्मूले में, सेकेंड की अगर सिक्स लिखो और प्लेटिनेट की अगर प्लेटिनम लिखो, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और किसी को एग्जांपल से बताऊं कि जो समझना समझ में आ गए। चलो आप लोगों को मैं डायरेक्टली नेम देता हूँ, आप लोग नेम लिखो, ठीक है, बताओ टेन। पेज नंबर निकालो 197 फेसबुक का, फेसबुक का पेज नंबर 197 निकाले, उसके अंदर देखो ट्राई दिस करके दिया हुआ है, मिला आपको पर्पल कलर के कॉलम में ट्राई दिस दिया हुआ है, तो उसके अंदर आप लोगों को देखो छह एग्जांपल है, छह एग्जांपल का आप लोग को जो है फार्मूला लिखना है, लेकिन ये आप लोग लिख लो होमवर्क, आप लोग को ये घर पे करना है, ठीक है। और पीछे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज ओपन करो पीछे, पेज नंबर 208, पेज नंबर 208, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, तो ए बी दो करके दिया हुआ है, देखो नेम दिया उसका, फार्मूला लिखना है, तो 6 उधर पे था 2 इधर पे, कितना होगा टोटल 8, तो ये 8 फार्मूला आप लोग को लिखना है, होमवर्क दे रहा हूँ घर पे ट्राई करना, जो नहीं आएगा कंफ्यूजन होगा, यू कैन आस्क मी नेक्स्ट लेक्चर, कल भी मेरा लेक्चर है, तो आप लोग कल आके उसको पूछ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, राइट ऑन साइडिंग साइडिंग, ठीक है। चलो राइट ऑन दिस साइड आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेसन का, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी हमने आईपीसी नॉमेनक्लेचर दिया है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक रफ ट्री डायग्राम बताया हुआ है, क्लासिफिकेशन बताया हुआ है, बट इट तो वो सामने रखना, मैं जो बता रहा हूँ उसको देखना है। सबसे पहले व्हाट वी मीन बाय आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर आइसोमर एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ये ऑलरेडी हम 11th में पढ़ के आए, आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। So isomerism in coordination compound are broadly classified into two types. First one is called stereoisomerism. Second one is called structural isomerism. Again, first one is called stereoisomerism. Second one is called structural isomerism. Now what we mean by stereoisomerism? इसके अंदर सबसे पहला जो main type है क्या है? Stereoisomerism.
अब इसके लिए आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? देखो ये इसके अंदर ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेंगे इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे, लेकिन जो लिगेंड का अरेंजमेंट रहता है अराउंड द मेटल एटम वो डिफरेंट रहेगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल एटम आर डिफरेंट। सच आइसोमर आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे लेकिन लिगेंड का जो अरेंजमेंट रहेगा अराउंड द मेटल एटम वो डिफरेंट रहेगा। अभी एग्जांपल बताऊंगा तो आपको एकदम कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड डिफरेंट बट इट उसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये डेफिनेशन हो गया। नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर फर्दर क्लासिफाइड टू टू टाइप। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका फर्स्ट टाइप है जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? देखो ज्योमेट्री से बना है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ ज्योमेट्री एग्जिबिट करता है, शो करता है, लाइक टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एक्सेट्रा। तो इसके अंदर दो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेंगे जो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे, कोई ज्योमेट्री एग्जिबिट करेंगे लेकिन उसके अंदर लिगेंड का जो अरेंजमेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है? उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर दो आइसोमर ऑब्टेन होंगे, कितने आइसोमर आएंगे इसमें? दो। कौन कौन से आइसोमर इसमें आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। एक आइसोमर को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सीस आइसोमर और सेकंड वन को हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से दो आइसोमर फॉर्म करता है? सीस एंड ट्रांस। अब सीस किसको बोलते हैं? टू आइडेंटिकल ग्रुप और टू सेम ग्रुप व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ मेटल एटम। अगर दो सेम ग्रुप है, लिगेंड है, दोनों मेटल एटम के राइट हैंड साइड पे है तो सीस, या दोनों सेम ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड पे है तो सीस, ठीक है? और सेकंड वाले के अंदर ट्रांस के अंदर टू आइडेंटिकल ग्रुप कैसे रहेंगे? अपोजिट डायरेक्ट, एक राइट पे रहेगा और एक लेफ्ट पे रहेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। या एक अपर साइड पे रहेगा, दूसरा लोअर साइड रहेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। इसके अंदर दो आइसोमर कौन से ऑप्शन होंगे? सीस एंड ट्रांस। अब इसका एग्जांपल बताऊंगा, वेरियस एग्जांपल हमारे को बताया हुआ बुक के अंदर, आपको वेरियस एग्जांपल बताऊंगा तो आपको कांसेप्ट का क्लियर हो जाएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? सीस किसको बोलते हैं? ट्रांस किसको बोलते हैं? सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं सी है। चलो इसका सबसे पहले नेम कौन बताएगा? व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस? क्लोरीन माइनस टू प्लैटिनम प्लस टू, दोनों का चार्ज मिलाओगे तो न्यूट्रल हो जाएगा जीरो। अब इसके अंदर मेटल आइटम प्लैटिनम है, देखो इसका मैं जो है ज्योमेट्री लिख रहा हूँ, ये ज्योमेट्री को आप बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, देखिए इधर से स्क्वायर प्लेनर के चार कॉर्नर पे चार लिगेंड है, देखो प्लैटिनम सेंटर में। अब दो लिगेंड कंसीडर करो, दो क्लोरीन ले लो, दोनों क्लोरीन सेम है, दोनों कहाँ पे है? सेम साइड पे, और दोनों एडजेसेंट है, एक के बाद एक है, एक के बाद एक है, इसको क्या बोलेंगे? या क्लोरीन ना लेते अमोनिया ले लो, तो सेम अमोनिया दोनों लेफ्ट साइड पे, दोनों लेफ्ट साइड पे है, इसको उसको बोलेंगे सीस। तो कोई भी दो ले लो, दो क्लोरीन ले लो या दो अमोनिया ले लो, तो ये कैसे हो गया सीस। अब इसका ट्रांस स्ट्रक्चर देखो, मैं भी बता रहा हूँ सी है।
इज कॉल्ड ट्रांस। तो आइडेंटिकल ग्रुप जो क्लोरीन ले रहे हैं सिर्फ दोनों क्लोरीन देखो अपोजिट डायरेक्शन में, राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ओके दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में सिर्फ दोनों सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांस। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है लेकिन दोनों के अंदर लिगेंड का जो अरेंजमेंट है दोनों के अंदर डिफरेंट है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट है, उसी को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर का फर्स्ट जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एग्जांपल है। इसको ज्योमेट्रिकल क्यों बोला गया है, ये दोनों ज्योमेट्री एग्जिबिट कर रहे हैं। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों की ज्योमेट्री एग्जिबिट कर रहे हैं, दोनों के अंदर लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझा, फॉर एग्जांपल आप लोग को एक मास के लिए कहिए अगर पूछेगा राइट ए शॉर्ट फॉर्म फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो डेफिनेशन लिखना है और एक एग्जांपल ये स्ट्रक्चर ड्रा करके बताना है। जैसे दो मास के एक मार्क का डेफिनेशन एक मार्क का एग्जांपल, गॉट इट। और आपको एक मास के लिए कहिए पूछेगा ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस, इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेगा एक मास के लिए शो करके ऐसा डायग्राम दो एमएस का क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेशन एग्जांपल डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा। समझ में आया सबको, बना लो फर्स्ट एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ एंड ट्रांस। Definition. Coordination compounds are having same molecular formula. Coordination compounds are having same molecular formula. And different is partial arrangement of ligand. And different is partial arrangement of ligand. Is partial the spelling SPATIAL. Spatial and different spatial arrangement of ligand around the metal atom, around the metal atom are called stereoisomer and phenomenon is called stereoisomerism. Again. देखो ना लिख सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर दो ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स का बताया है, दो ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स बताया हमारे को, एक स्क्वायर प्लेनर और दूसरा ऑक्टेट। एक इसमें बताया है स्क्वायर प्लेनर है, दो ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म बताया है, एक स्क्वायर प्लेनर का दूसरा ऑक्टेट लिया है, स्क्वायर प्लेनर का नहीं है। कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है, देखो
इसका टाइप मालूम करो, प्लैटिनम मेटल एटम है उसको हम लिखते हैं एन, और लिगेंड दो टाइप के दे दो तो इसको एक लिगेंड लिखते हैं ए, ए कौन सा टू है, ए टू और बी कितना टू है, तो एन ए टू बी टू टाइप कॉम्प्लेक्स है, एन ए टू बी टू टाइप यानी दो लिगेंड है देखो, एक को ए कंसिडर किया दूसरे को बी, ए भी टू है और बी भी टू है, देखो और एन स्टैंड फॉर मेटल एटम, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स बोर्ड पे लिखा हूँ देखो, ये कॉम्प्लेक्स में देखो कि चारों लिगेंड डिफरेंट है, देखो एक अमोनिया है, एक पायरिडीन है, प्यूआई स्टैंड फॉर पायरिडीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, चारों लिगेंड डिफरेंट है, ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया, टाइप कॉम्प्लेक्स है। अब इसके अंदर हमारे को दो लिगेंड सेम नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे हैं क्या, तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि ये सीसेन ट्रांसफॉर्म नहीं पड़ेगा, है ना, नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर दो लिगेंड सेम नहीं, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफॉर्म करता है, कैसे वो देखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इधर सी यार पैरिडीन, पी वाई स्टैंड फॉर पैरिडीन, ऊपर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा उसके तीन डायग्राम बनाया, तीनों डायग्राम के अंदर देखो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन तीनों के अंदर अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड डिफरेंट है, पहले अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट है वो बता रहा हूँ, देखो अमोनिया है ना, इसके अंदर अमोनिया के अपोजिट में ब्रोमीन है, इसके अंदर अमोनिया के अपोजिट में क्लोरीन है, इसके अंदर अमोनिया के अपोजिट में पैरिडीन है, तीनों में डिफरेंट है अपोजिट, समझ में आए, यहाँ पे भी देखो कि पैरिडीन के अपोजिट में क्लोरीन है, पैरिडीन के अपोजिट में ब्रोमीन है, क्लोरीन के अपोजिट में ब्रोमीन है, तीनों के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड तीनों में डिफरेंट है, इसलिए इसको अपन ज्योमेट्रिकल एक्सपर्ट बोल सकते हैं, लेकिन अब ये सीस और ट्रांस की उसका रीजन बता रहा हूँ, व्हाई दे आर कॉल्ड सीस एंड ट्रांस, देखो इधर पे अपन एक पैरिडीन और एक अमोनिया ले रहे हैं, एक पैरिडीन एक अमोनिया, ये स्ट्रक्चर दोनों अपर साइड में है, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी अमोनिया और पैरिडीन दोनों अपर साइड में है, तो दोनों के अंदर अमोनिया पैरिडीन का अरेंजमेंट सेम है अपर साइड में दोनों, इसलिए दोनों को सीस बोला गया, कुछ समझा
इस स्ट्रक्चर के अंदर अमोनिया पैरिडीन दोनों का अरेंजमेंट सेम है, दोनों अपर साइड, अमोनिया और पैरिडीन पहले भी अपर साइड में है, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में भी अमोनिया और पैरिडीन अपर साइड बराबर है। अब थर्ड वाले के अंदर देखो अमोनिया और पैरिडीन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, देखो समझा। तो यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं बोल रहे हैं हम, ध्यान दो, यहाँ दो डिफरेंट ग्रुप है लेकिन दोनों का अरेंजमेंट सेम है। तो स्ट्रक्चर के अंदर सेम जो सेम ले रहे हैं उसका डायरेक्शन डिफरेंट, एक अपर साइड है एक लोअर साइड, दैट इज कॉल्ड ट्रांस, समझा। ठीक राइट बना। अगर इसको डाउट है स्ट्रक्चर बना लो, डाउट है आप पूछो, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, पहले स्ट्रक्चर बना लो। देखो 12th में जो भी टॉपिक आपको मेंशन है, 12th के अंदर जो भी टॉपिक मेंशन है, जो भी एग्जांपल बताया है, कोई भी क्वेश्चन किसी को भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा तभी आएगा, ऐसा नहीं है। ट्वेल्थ में ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी पॉइंट को क्वेश्चन बना कर पूछ सकते हैं, टाइम को बता रहे हैं सब, टाइम में थोड़ी कर रहे हैं, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं। जैसे मैंने तीन कॉम्प्लेक्स बताया, तीन में लिगेंड चार है, ये चार लिगेंड के जुड़ता है, इसमें अपने स्क्वायर प्लेनर के लिए बताया ऑक्टेट, स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड चार होना चाहिए, चार लिगेंड में स्क्वायर प्लेनर बना चाहिए रहे तो ऑक्टेट में बना, तो इसलिए तो बताया है, मैंने बताया मेंशन किया स्क्वायर प्लेनर ऑक्टेट। क्यों स्क्वायर प्लेनर ऑक्टेट है बताया, इसका रीजन टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं बताया, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का राइट से का लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड का राइट से डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, इसको उसका नहीं पता है इसका कांसेप्ट है। चलो बोलो पीछे किसी को क्वेश्चन डाउट स्ट्रक्चर के अंदर, पीछे वॉइस डाउट कंफ्यूजन सिंपल वे में बताया हूँ आप लोगों को, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में मैंने सर्कल किया मार्क किया है, दोनों स्ट्रक्चर में अमोनिया पैरिडीन अपर साइड भी, दैट्स व्हाई दे आर परसिस, और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में अमोनिया पैरिडीन ट्रांस पोजीशन पे यानी अपोजिट डायरेक्शन में स्थित है, ट्रांस व्हाट इट इसके चार लिगेंड रहेंगे स्क्वायर प्लेन, छह लिगेंड रहेंगे ऑक्टेट, तो मैं एक बोर्ड पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ, तो ध्यान देंगे इधर पे, देखो सही है, जिसको आता है वो हाथ ऊपर करके आंसर बताएगा, पीछे लास्ट पे इधर बता रहा हूँ, आप नीचे ही देख रहे हो, थर्टी हाँ स्टैंड अप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नहीं है ये,
ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ऑप्शन दिया यस सर नो, जल्दी फास्ट सुन के नहीं बोलना, तो फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ लूंगा, सुन के बोलना ही नहीं है। क्यों है इसका रीजन? स्क्वायर ब्रैकेट में वेरी गुड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा यस और नो, इसे पूछ रहे करेगा। कंफ्यूज हो आप, टॉपिक बताया फिर क्वेश्चन पूछा, कंफ्यूजन क्यों? कंफ्यूजन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई डाउट है तो मेरे को क्वेश्चन पूछ। बैठिए पीछे बॉयज, स्टैंड अप। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा यस और नो, करेगा। रीजन क्या? रीजन एग्जिबिट करेगा, बैठ गए। चलो कौन ऐसा स्टूडेंट है जो एकदम करेक्ट आंसर बताएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करेगा तो क्यों करेगा, उसका रीजन के साथ जो आंसर बताएगा, रेज योर हैंड, बैठ के नहीं बोलना है। कौन रीजन बताएगा इसका? हाँ बोलिए, वेरी गुड। जो मैं आंसर सुनना चाहता था वही आंसर इन्होंने बताया। मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताया, एन ए बी सी डी टाइप अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, उसके तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं, दो सीज आते हैं और एक ट्रांस आते हैं। वेरी गुड, आपने एकदम करेक्ट बोला। तो आपको कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स देखना है, ये कौन से टाइप का है? ए बी सी डी टाइप है, चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो अगर ए बी सी डी टाइप कॉम्प्लेक्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर तीन आएंगे, दो सीज आएंगे और एक ट्रांस आएंगे। क्लियर है? अब बोर्ड पे एक कॉम्प्लेक्स लिखो, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें लिगेंड छह है देखो, तो अगर लिगेंड छह है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो, और लिगेंड फोर है तो स्क्वायर प्लेनर बताएगा बनाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो कॉम्प्लेक्स के लिए बताया गया, दो ज्योमेट्री के लिए बताया गया, स्क्वायर प्लेनर जो ऑलरेडी मैंने बताया और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ, कोबार्ड सेंटर में है, स्क्वायर प्लेनर पे चार कॉर्नर पे चार और एक ऊपर एक नीचे, ये मेटल एटम है। देखो इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, छह लिगेंड है मेटल एटम के सराउंड, तो ये ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अब कोई बता सकते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? ऑक्टा वर्ड को ऑक्टेन से बनाया, हेड के लिए यूज होता है, तो उसको हेक्साहेड्रल बोलना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला गया, कोई रीजन बता सकता है? व्हाई इट्स कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, कोई रीजन? चलो देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल वे में, नोटबुक दे दू, देखो इधर पे सी आर, चार लिगेंड है जो देखो स्क्वायर प्लेनर के चार लिगेंड, चार कॉर्नर पे देखो ये चार कॉर्नर पे चार लिगेंड, ये स्क्वायर प्लेनर आपको दिख रहा है, चार कॉर्नर पे चार लिगेंड, एक लिगेंड सेंटर से ऊपर है अपर साइड में जो ये वाला है और एक सेंटर से नीचे की तरफ है, छह लिगेंड हुए। अभी ऊपर वाले लिगेंड को चारों कॉर्नर से कनेक्ट करना है स्क्वायर प्लेनर के, देखो चारों कॉर्नर से कनेक्ट करेंगे, एक ये एक ये दो एक ये तीन एक ये चार, तो चार फेस आएंगे, वन टू थ्री फोर फेस चार आएंगे, समझ में आया? ऐसे चार फेस नीचे आएंगे, तो चार फेस ऊपर बने चार फेस नीचे बने, तो टोटल फेसेस आर एट, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, समझा? ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर इसको हमारे को सीस और ट्रांस बताना है, तो ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है?
मेटल A4 B2 टाइप, मेटल A4 B2 टाइप, B4 है सॉरी A4 और B2 यानी टोटल लिगेंड 6 है। 6 लिगेंड के लिए हमेशा ज्योमेट्री ऑक्टेट्रल बनाया गया, याद रखो। अब देखो इसकी ज्योमेट्री मैं आपको बता रहा हूँ, सी है, मेटल एटम कोबाल्ट है सेंटर में, अमोनिया कितना लिगेंड है 4 है, 4 अमोनिया बता रहा हूँ, देखो इधर और दो कौन से लिगेंड है क्लोरीन, नेट चार्ज पॉजिटिव है। अब इसको सिस क्यों बोला गया, दिस इज कॉल्ड सिस। सोलो क्लोरीन देखो एडजेसेंट साइड है, एक के बाद एक है आगे बाजू में अपोजिट साइड पे, तो सेम क्लोरीन अपोजिट साइड में एडजेसेंट साइड पे, इसलिए इसको बोला गया है सिस। अभी समझा। अब इसका सेकंड स्ट्रक्चर जब ट्रांस देखेंगे तो सेकंड वाले के अंदर देखो ये जो क्लोरीन है इसको यहाँ पे बना लो और यहाँ का जो अमोनिया उसको इधर डाल दो, देखो दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, एक अपर साइड और एक लोअर साइड है अपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रांस। समझा। तो ऑक्टाहेड्रल में MA4 और B2 टाइप सिस और ट्रांस कैसे बनाएगा, रीजन बताया। सिस के अंदर दो आइडेंटिकल क्लोरीन एडजेसेंट साइड पर रहेंगे, अपोजिट साइड पर रहेंगे सिस। ट्रांस के अंदर दोनों क्लोरीन सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, अपर साइड और एक लोअर साइड, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। समझा आप लोग, बना लोगे? बना। मैं एग्जांपल चेंज करती हूँ, देखो उसी में करेक्शन करती हूँ थोड़ा। ऊपर जो एग्जांपल लिखा है देखो, अब लिगेंड दो टाइप के, तीन अमोनिया तीन क्लोरीन है, तीन अमोनिया है तीन ग्रुप, कौन से टाइप तो कॉम्प्लेक्स हो गए M3 B3 टाइप, बराबर है। अब इधर देखो तीन क्लोरीन में यहाँ अरेंज कर रहा हूँ, सी है, तीन क्लोरीन अरेंज किया और ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर तीन क्लोरीन कैसे अरेंज करो, देखो सी है। अब इसको सिस क्यों बोला गया ये वाला स्ट्रक्चर, ध्यान दो ये तीनों जो
क्लोरीन आ रहा है, सेम फेस पे आ रहा है। जो मैं अपर साइड में चार फेस बताया, तीनों क्लोरीन एक फेस पे आ रहा है, सेम फेस पे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिस। और इसके अंदर तीनों क्लोरीन सेम फेस पे नहीं है, दो सेम फेस पे और तीसरा वाला क्लोरीन डिफरेंट फेस पे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रांस। बट इट उसे कोई कंफ्यूजन, ऑल थ्री क्लोरीन इन दिस स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन सेम फेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिस। ऑल थ्री क्लोरीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फेस, टू आर प्रेजेंट ऑन सेम फेस, आर ऑल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। बट इट बना लो, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेचर जीरो है। देखो ये ऐसे बनाते हैं, इधर की है एडवेंट, इधर की है, ये बॉन्ड किसके साथ दिख रहा है, एडवेंट के साथ। एडवेंट डोनर एटम नहीं है, नाइट्रोजन डोनर एटम है, बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा, एडवेंट नहीं बनाएगा। हम डाई में लिखते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है बॉन्ड किसके साथ है, वो नाइट्रोजन के साथ है। अब यहाँ पे बनाना है तो देखो मैंने उल्टा लिखा, इधर देखो NH3 नहीं करके लिखा है, H3 बाहर लिखा है, नाइट्रोजन पहले लिखा। और काफी लोग मैं देख रहा हूँ, देखो ऐसे लिखिए, ये गलत हो जाएगा। बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं बना है, बॉन्ड नाइट्रोजन से बना है, ठीक है। बोर्ड में एग्जांपल लिखा हूं, देखो हर स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। हर जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आपको, तो हर एक एग्जांपल का जो स्ट्रक्चर है दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, इसके हर एक एग्जांपल बताना आपको के लिए जरूरी है, तभी आपको कांसेप्ट समझेगा। अभी ये स्ट्रक्चर ही बता रहा हूं एग्जांपल बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं टाइम वेस्ट हो रहा, नहीं, हर स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। अब यहां पे आया देखो इथिलीन डायमाइन, That is a bidentate ligand. इसको हम पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड, ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है, एम ए ए ट्वाइस बी टू टाइप है। ये ए ए टू क्यों लिखा हुआ है, ए ए क्यों लिखा हुआ, एक ही लिगेंड में दो डोनर एटम है इसलिए ए ए दो बार लिखा हुआ है। इथिलीन डायमाइन में एक ही लिगेंड में दो डोनर एटम है इसलिए इसको लिखा हुआ है ए ए टू टाइप ट्वाइस, टोटल इथिलीन डायमाइन दो है इसलिए ट्वाइस लिखा है। अब बी टू ये कौन सी टाइप का कॉम्प्लेक्स है, अब एक जो इथिलीन डायमाइन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो दो कितने बनाएंगे, चार,
चार ये बॉन्ड बनाएगा और दो ये बनाएगा, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, सिक्स, सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑक्टेट है ज्योमेट्री में, तो इसका कैसा रहेगा सी है। अब इसको क्या कर देंगे, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे, देखो कैसे। देखो अभी दोनों सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, एक राइट साइड में